पूरे देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी अमृत महोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा फहराया गया है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल 15 अगस्त को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान से भाकियू बड़ी संख्या में किसानों के ट्रैक्टरों को यहां से हरी झंडी दिखाकर सिटी में ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इन किसानों की तिरंगा यात्रा में किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर देशभक्ति तरानों पर झूमते गाते नजर आए। ये यात्रा जीआईसी मैदान से शुरू होकर महावीर चौक, शिव चौक समेत शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए वापस जीआईसी मैदान में ही समाप्त हुई। इस तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा का नेतृत्व खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर चलाकर किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने बताया कि ये शांतिपूर्ण तिरंगा मार्च है। देश में दो ही राष्ट्रीय पर्व आते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 15 अगस्त आजादी का पर्व है। आज ट्रैक्टर तिरंगा रैली है, ये निकाल ली जा रही। ये तो 2021 से 2018 से शुरू कर दी थी अपने निकालनी। ये आगे मीनाक्षी चौक है, शिव चौक है, मालवीय चौक है, इधर को होते हुए सब जगह को निकलेगी। संदेश ये है कि तिरंगा हमारी शान है। आन बान शान तिरंगे के साथ में ट्रैक्टर रैली, ये अरे आ जाएंगे ट्रैक्टर तो गांव में भी, ट्रैक्टर में भी रैली में ही शामिल है। जाएंगे शिव चौक को होते हुए जाएंगे, शिव मीनाक्षी चौक और आगे शिव चौक मालवीय, और ये फिर ऐसे घूमते हुए आ जाएंगे। संपन्न कहाँ पे? हाँ यहीं पे, यहाँ पे, यहाँ पे महावीर चौक पे ही संपन्न हो जाएंगे। सरकार के दिमाग में से ट्रैक्टर और तिरंगा नहीं निकलने देना, ठीक है? सरकार के दिमाग में से ट्रैक्टर नहीं निकालने देना हमें। ये यात्रा चलती रहेगी।